हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिटी यू। और मैं हूँ डॉली। आज मैं आप लोगों के साथ में एक रिव्यू प्लस डेमो शेयर करने वाली होंगी। ये जो रिव्यू है और डेमो जो है मेरा, ये है एक फाउंडेशन के ऊपर। ये जो फाउंडेशन है, ये कलर बार कंपनी का फाउंडेशन है जिसे मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये जो फाउंडेशन है, ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन मुझे लगा है, जिसका रिव्यू और डेमो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँ। हो सकता है कि इसका रिव्यू और डेमो देखने के बाद अगर आपने नहीं लिया हो तो एक बार आप लेने की मन बना सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम रिव्यू प्लस डेमो देखने वाले हैं हमारे कलर बार फाउंडेशन। गाइस, ये है मेरा कलर बार का फाउंडेशन है जो मैंने लिया है। काफी अच्छी पैकिंग के अंदर ये आता है, काफी सुंदर दिख रहा है इसकी जो पैकिंग है वो। और ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, लाइट वेट फाउंडेशन है और सनरेज से प्रोटेक्ट करता है ये जो फाउंडेशन है। यूवी प्रोटेक्शन है इसके अंदर, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये फाउंडेशन। सो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये। तो ये जो कलर बार का जो फाउंडेशन है, ये जो फाउंडेशन है, ये टाइमलेस फिलिंग एंड लिफ्टिंग फाउंडेशन है ये। मतलब कि काफ़ी समय तक लॉन्ग लास्टिंग है ये, काफ़ी समय तक रहेगा और काफ़ी देर तक ये फाउंडेशन रहता रहेगा। और यूवी प्रोटेक्शन है तो सनरेज वगैरह से भी आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रख सकता है। आप देख सकते हैं कि जो अभी मैंने मेकअप किया है वो इसी फाउंडेशन का मैंने मेकअप किया है, जिसका मैं आपके साथ में वीडियो करने वाली हूँ। यही फाउंडेशन मैंने अभी अप्लाई कर रखा है अपने फेस के ऊपर और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है फेस के ऊपर। काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग है इसकी, काफ़ी फ्लॉलेस स्किन लगती है कि स्किन बहुत ही प्यारी लगती है कि ऐसा नहीं लगता है कि आपने का बहुत ज़्यादा लुक जो है वो गॉडी लग रहा है, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आपने लगा रखा है। वाइट वाइट फेस बिल्कुल भी नहीं लगता है। टाइमलेस फाउंडेशन है एंड लिफ्टिंग फाउंडेशन है, विथ हाइड्रोलिक एसिड भी है इसके अंदर, तो काफ़ी जो कि स्किन को काफ़ी हाइड्रेट करके रखता हैगा। मेरी ये जो है ये 30 ml का है और इसका जो नंबर है वो 03 है, स्वीट शेल 03 नंबर जो दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। स्टे टाइमलेस एंड एडोन अ नेचुरल रेडियंस, मतलब कि स्टे टाइमलेस मतलब काफ़ी समय तक ये रहता हैगा। और ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही नेचुरल रेडियंस देता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फेस जो है गॉडी लग रहा है, वाइट लग रहा है, आपने कुछ बहुत ज़्यादा पैची लगाया हुआ है फेस पर, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, बहुत ही फ्लॉलेस है ये। द स्मूथिंग लाइट वेट फाउंडेशन एनरिच यूअर स्किन विद प्रोटेक्टिव एंटी एजिंग नेटवर्क, बहुत ही स्मूथ है वाकई में, स्मूथ तो बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ही ईजिली और आराम से लग जाता है ये फाउंडेशन। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में है ये। अभी मैं आपको अप्लाई करके बताऊँगी। एजिंग नेटवर्क भी है, अगर आपके जो एजिंग वगैरह अगर फेस पर आ रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। बायोलॉजिकल एंटी ऑक्सीडेंट पॉकेट फॉर रिचार्जेबल प्रोलॉन्ग्ड एंटी ऑक्सीडेंट एक्शन, यू वी फिल्टर्स विथ सन प्रोटेक्शन, यू वी है इसके अंदर में जो कि सन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों के दिन है तो गर्मियों के दिन में यू वी प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसकी बॉटल कैसी दिखती है। वाओ, आप इसकी बॉटल भी देख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर दिखती है ये, बहुत ही प्यारी है, इसको बिल्कुल देख के लगाने का मन करता है कि वाओ। दिखने में बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। लगाने से पहले आपको उसको अच्छी तरीके से शेक करना है क्योंकि काफ़ी लिक्विड के फॉर्म में है थोड़ा सा ये, और ये इस तरीके से ओपन होता है। आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा, मैं आपको अप्लाई करके बताती होंगी इसका शेड कैसा है, देख सकते हैं। अभी मैं इसको अप्लाई करती होंगी, ये देखिए इसका शेड कितना प्रॉपर है और कितना अच्छा शेड है कि आप बिल्कुल बता नहीं सकते हैं कि आप स्किन के अंदर कितना अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब हो गया। आप देखिए स्किन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब हो गया है, मतलब आप ऐसे बता नहीं सक रहे हैं कि आपने फाउंडेशन लगाया है। तो फाउंडेशन ऐसा ही होना चाहिए जो स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए और जो एक फ्लॉलेस फिनिश दे। तो ये फाउंडेशन मुझे यही लगता है कि फाउंडेशन बहुत ही अच्छा और फ्लॉलेस फिनिश देने वाला फाउंडेशन है। तो जल्दी से चलिए आइए जल्दी से अब इसका एक डेमो देखते हैं कि लगाने के बाद ये कैसा दिखता है, कि किस तरीके से आपको इसको। पूरे फेस पर हम इसके अच्छे से डॉट 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 लगा लेंगे इस फाउंडेशन के।
अपने पूरे फेस पर अच्छी तरीके से डॉट 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 करके ही लगाएंगे ताकि एक अच्छी कवरेज मिले और पूरे यूनिकली पूरे फेस पर अप्लाई हो जाए। मेरे पास में ये नायका का ब्यूटी ब्लेंडर है, इस ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छी तरीके से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अभी इसको अपने पूरे फेस पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है इस फाउंडेशन को और इसका कवरेज काफ़ी अच्छा कवरेज मुझे दिख रहा है, एक नेचुरल सा कवरेज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट फेस नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छा यूनिक और एकदम इवन सा फेस दिख रहा है। अगर आप एकदम नेचुरल लुक चाहते हैं तो आप इस फाउंडेशन को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और ये फाउंडेशन जो है काफ़ी शेड्स में अवेलेबल है, आप अलग अलग शेड्स। अगर आप भी इस फाउंडेशन को लेने का मन बना रहे थे तो ये जो डेमो और ये जो रिव्यू था ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप नन नहीं बना रहे थे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मन बना रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और थम्सअप देना ना भूलिएगा। नीचे बेल आइकन का आइकॉन दिया हुआ है उसको प्रेस जरूर करिएगा ताकि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सके, सब्सक्राइब इसलिए कर सके ताकि हमारे चैनल की जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।